इंश्योरेंस आज के समय में हम में से ज्यादातर लोगों के पास है। कोरोना के बाद से तो हेल्थ इंश्योरेंस की मांग और भी बढ़ गई है। हालांकि क्लेम के दौरान रिजेक्शंस भी काफी देखे जा रहे हैं। लोकल सर्कल के एक सर्वे के मुताबिक हेल्थ इंश्योरेंस लेने वाले 43% लोगों को बीते 3 साल में क्लेम सेटलमेंट में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इंश्योरेंस सेक्टर की रेगुलेटर एडा ने सभी बीमा कंपनियों को 3 घंटे के अंदर क्लेम सेटलमेंट करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, इसलिए क्लेम सेटलमेंट में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज पोर्टल लॉन्च करने जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस नए सेटलमेंट पोर्टल का मकसद क्लेम मिलने में होने वाली देरी को कम करना है। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं कि नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज पोर्टल से आपका क्या फायदा होने वाला है। इस क्लेम एक्सचेंज को एक सिंगल विंडो सेटलमेंट सिस्टम के तौर पर विकसित किया जा रहा है, ताकि क्लेम लेते वक्त आपको यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े। इस पोर्टल में करीब 50 बीमा कंपनियों और 250 हॉस्पिटल को जोड़ा जा चुका है और धीरे धीरे और भी ज्यादा अस्पतालों और बीमा प्रोवाइडरों को इसमें शामिल किया जा रहा है। नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज पोर्टल अगले 1 से 2 महीनों में लॉन्च होने वाला है। ये बीमा पॉलिसी धारकों और सर्विस प्रोवाइडरों के बीच कम्युनिकेशन सुविधा देने के लिए एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म के रूप में भी काम करेगा। ये नेशनल पोर्टल हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट को आसान और तेज बनाने के लिए शुरू किया जा रहा है। ये स्वास्थ्य बीमा कंपनियों, अस्पतालों और बीमा पॉलिसी धारकों के बीच सिंगल विंडो इंटरफेस उपलब्ध कराएगा। ये पोर्टल सरकार के राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का हिस्सा होगा। फिलहाल हर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम सेटलमेंट के लिए अपना खुद का प्लेटफॉर्म और प्रक्रिया बनाई हुई है। ये एक डिजिटल हेल्थ क्लेम प्लेटफॉर्म है, जिससे बीमा कंपनियों को अपनी लागत में भी कमी लाने का मौका मिलेगा। साथ ही पॉलिसी धारकों को जल्द से जल्द उनका क्लेम मिल पाएगा। क्लेम से जुड़ी धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलेगी। ये भी पता चल सकेगा कि कौन सी कंपनी जल्द क्लेम को क्लियर कर रही है और कौन सी कंपनी देरी करती है। क्लेम के स्टेटस को भी आसानी से देखा जा सकेगा। पॉलिसी धारक अपनी क्लेम की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक भी कर पाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक क्लेम एक्सचेंज का फिलहाल ट्रायल किया जा रहा है। इसके नतीजे आते ही इसे लागू भी कर दिया जाएगा। फिलहाल हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ लेने के लिए आपको हॉस्पिटल जाकर थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर या फिर इंश्योरेंस कंपनी की ओर से जारी कार्ड या फिर पॉलिसी की डिटेल जमा करानी होती है। इसके बाद अस्पताल क्लेम की प्रक्रिया शुरू करता है। क्लेम की मंजूरी लेने के लिए तमाम कागजात जमा करने होते हैं। जब इंश्योरेंस कंपनी को ये कागजात मिलते हैं, तब जाकर वो अपने प्रोसेसिंग पोर्टल से क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया शुरू करते हैं। इसके बाद क्लेम को जांच के लिए संबंधित टीम के पास भेज दिया जाता है। ये प्रक्रिया काफी ज्यादा लंबी और कठिन है। इसके चलते कई बार मरीजों को कई घंटों तक इंतजार भी करना पड़ता है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय के पास ऐसी कई शिकायतें हैं जहां क्लेम को गलत तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया। जब सरकार का ये प्लेटफॉर्म शुरू हो जाएगा तो ये सिंगल प्लेटफॉर्म के जरिए क्लेम प्रोसेस होंगे। अस्पताल और इंश्योरेंस कंपनियां एक ही प्लेटफॉर्म पर चेक करेंगी और इससे प्रोसेस में तेजी भी आएगी। क्लेम का निपटारा भी जल्द होगा। कुल मिलाकर नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज से न सिर्फ कस्टमर्स को राहत मिलेगी, बल्कि इंश्योरेंस कंपनी को भी सुविधा होगी। इस स्टोरी को आपके लिए तैयार किया था हमारे साथी मंचुकार अमन ने। इस स्टोरी पर आप अपनी राय में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।